नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने चैनल ओपन ओशन में। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद आप सबके लाइक, कमेंट्स और व्यूज़ के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की सीरीज़, एक कहानी और। शिकायतें तो सभी को है ज़िंदगी में, ज़िंदगी से, लेकिन मौज में वही जीता है जो उन शिकायतों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। तो दोस्तों, ये बात है दो दोस्तों की। मुंबई में रहते थे, काम करते थे, एक गोविंद और दूसरा आनंद। लेकिन आनंद को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो ना हर किसी चीज पे शिकायत करता था। उसको कुछ अच्छी से अच्छी चीज भी दिख जाए तो भी वो शिकायत करता था। ये आनंद की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और गोविंद को ये लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके वजह से वो ऑफिस में, समाज में किसी परेशानी में पड़ जाए। तो एक बार ऐसे ही गोविंद और आनंद दोनों समुद्र के किनारे जाते हैं और गोविंद बहुत खुश है। समुद्र की लहरें, समुद्र जगह ही ऐसी, जब उसके किनारे जाते हैं तो एक अच्छी सी भावना हृदय में उत्पन्न होती है। लेकिन आनंद का फिर वही रवैया। आनंद खड़ा होता है समुद्र के सामने और कहता है, ए समुद्र, तू कितना विशाल है, तू कितना बड़ा है, लेकिन तेरी ना एक समस्या है। ए समुद्र, तू खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। समुद्र को यह बात अच्छी नहीं लगती है, लेकिन वो शांत रहता है और आनंद और गोविंद दोनों वहां से थोड़ा समय व्यतीत करके वापस अपने घर चले जाते हैं। दो दिन पश्चात आनंद एक वाटिका में जाता है, एक गार्डन में, और वहां बहुत सुंदर सुंदर गुलाब के फूल लगे, अलग अलग रंग के, अलग अलग साइज के, अलग अलग तरह के गुलाब के फूल हैं। वो पूरी गुलाब वाटिका, उस वाटिका में एक हिस्सा है गुलाब वाटिका का। आनंद बड़ा मोहित होता है उसको देखकर और वो लगता है कि शायद आज शिकायत ना करे, आज वो खुश है। लेकिन कहते ना, हम अपनी आदत से मजबूर होते हैं, कुछ आदतें जिनको हम छोड़ नहीं पाते। तो आनंद गुलाब के पुष्प के पास जाता है और कहता है, ए गुलाब, तू फूलों का राजा है, तू बहुत सुंदर है, किंतु तुझ में कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। गुलाब चुपचाप ये बात सुन लेता है, लेकिन क्योंकि गुलाब एक शांत फूल है तो वो उसको इग्नोर कर देता है। आनंद वाटिका घूमता है, फिर वापस चला आता है। दोनों घर पे बैठे होते हैं आनंद और गोविंद, और कोयल उनकी खिड़की पे आके बोलने लगती है। आनंद को देखकर गोविंद को लगता है कि शायद ये कुछ बोलेगा, और होता भी वही है। आनंद जो कि अपनी आदत से मजबूर कोयल के पास जाता है और कोयल से कहता है, ए कोयल, ए स्वर कोकिला, कितनी सुंदर तुम्हारी वाणी है, कितनी मधुर तुम्हारी आवाज है, किंतु तू काली ना होती तो कितना अच्छा होता। अब गोविंद बड़ा परेशान रहता है इन सब चीजों से, क्योंकि ये सिलसिला चलता रहता है। एक दिन रात्रि में ये लोग सैर पे निकलते हैं और गुलाब, समुद्र और कोकिला यानी कोयल इन दोनों को घेर लेती है। अब गोविंद डर जाता है कि कहीं ये हम पे भारी ना पड़ जाए, और आनंद चुपचाप खड़ा है और वो तीनों एक ही चीज कहते हैं कि ए मनुष्य, तू शिकायत ना करता तो सर्वश्रेष्ठ होता। जी हाँ दोस्तों, हम अपने जीवन में इस कहानी से बहुत कुछ रिलेट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम खुश नहीं हैं अपनी चीजों से, अपने आसपास के वातावरण से, अपने लोगों से, और हम हर समय शिकायत करते हैं। शिकायत जायज है, लेकिन हर चीज पर शिकायत करना कहीं ना कहीं सही नहीं है। हमें खुद को फिर देखना होता है कि क्या हम में वो कमी है, या हम चीजों को उस नजरिए से नहीं देख पा रहे जिस नजरिए से हमें उसको देखना चाहिए। शिकायत बहुत तो थी मुझे जीवन से, लेकिन जब जीवन का रस समझ में आया तो सारी शिकायतें दूर हो गई।
तो जी हाँ दोस्तों, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए घर पे, और ये जो समय हमें मिला है इसको यूटिलाइज कीजिए अपने अंदर की वो नेगेटिविटी, अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए। और आशा है कि जब हम बाहर निकलेंगे तो एक नए स्वयं को लेके जाएंगे। तब तक के लिए देखते रहें अपना चैनल ओपन ओशन और एंजॉय करते रहें हमारी सीरीज एक कहानी और।